ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं हाजिर हूँ आपसे फिर चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय लाभेश भाग्येश। पूरी साल 2023 में विभिन्न भाव में जाएंगे विभिन्न राशियों के लिए, तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, यही चर्चा करते करते अब हम कुंभ राशि पर आ चुके हैं। तो कुंभ राशि के लिए मैं चर्चा करूँगा। देखिए, कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि 11वीं राशि लग्न में है, तो 11वें भाव में कौन सी आई, नाइन्थ। नाइन्थ मीन्स धनु, धनु राशि। 11वें भाव में धनु राशि आ गई, जो कि बृहस्पति की राशि है। और देखिए, भाग्य भाव में, नवे भाव में कौन सी राशि आई, सातवीं राशि तुला राशि, जो शुक्र की राशि है। तो बृहस्पति हो गए नाइन्थ धनु राशि के स्वामी, बृहस्पति हो गए लाभेश और शुक्र हो गए भाग्येश। तो दोनों ही गुरु, दैत्य गुरु और देव गुरु, देव गुरु बृहस्पति लाभेश और दैत्य गुरु शुक्र भाग्येश। तो दो दो गुरुओं की कृपा कैसे कुंभ राशि को मिलेगी सन 2023 में, विभिन्न मंथ में, विभिन्न माह में, जब वो अपने गोचर में जाएंगे अलग अलग भाव में, तो कैसी कैसी धन देंगे, सुख देंगे, नौकरी पेशा में तरक्की देंगे, क्या देंगे, मतलब वही चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। तो देखिए, लाभेश तो है बृहस्पति, वर्ष के प्रारंभ में ही, शुरू में तो देखिए बृहस्पति अपने मीन राशि में रहेंगे, कहाँ 12वीं राशि जो है कहाँ पर है, कुंभ राशि के लिए धन भाव में। तो बृहस्पति महाराज जनवरी से लेकर के 22 अप्रैल तक रहे कहाँ, धन भाव में। धन भाव के बृहस्पति कुंभ राशि के लिए धन की वर्षा तो करेंगे ही करेंगे, सुख की वर्षा करेंगे, धार्मिक कार्य में धन का खर्चा कराएंगे और अच्छे कर्मों से धन देंगे। और धन जब काफी आएगा, आर्थिक कोई समस्या नहीं होगी, तो परिवार कुटुंब के लोग भी बड़े अच्छे खुश रहेंगे, सब में समय होगा। तो बृहस्पति देखिए धन भाव में बैठे हैं शुरू से जनवरी से लेकर के और 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक तो यही बैठे रहेंगे इसके भाव, इस मीन राशि में ही। इसके बाद 22 अप्रैल को फिर वो आगे बढ़ेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे, कहाँ, तीसरे भाव में, जहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो तीसरे भाव में राहु बृहस्पति भी आ गए, एक तो चांडाल दोष बनेगा जो कई महीने तक चलेगा, जब तक 30 अक्टूबर तक राहु वहाँ बैठे हैं तब तक रहेगा, उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद राहु आ जाएंगे बैक, बकरी गति से बैक, यानी मीन राशि में, मेष राशि निकल करके, और बृहस्पति खाली अकेले रह जाएंगे। तो थर्ड भाव में बृहस्पति, थर्ड भाव में पराक्रम, परिश्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, यात्राओं का भाव है, यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो 22 अप्रैल की बातों पर बृहस्पति तीसरे भाव में ही रहेंगे अखीर तक, एक साल तक, तो पूरी साल दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर में केवल बृहस्पति रह जाएंगे और उसके पहले राहु भी होंगे वहाँ पर। तो राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर के देखिए तीसरे भाव से दृष्टि जाएगी कहाँ, नवे भाव पर। नवा भाव का क्या है, भाग्य का भाव, शुक्र का तुला राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र के घर को देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, और वो है क्या, भाग्य का भाव। तो भाग्य वर्धन तो करेंगे, तीसरे भाव में बैठेंगे जरूर, तीसरे भाव में बैठकर के भी परिश्रम कराएंगे, लाभ देंगे, यात्राओं से लाभ देंगे, भाई बहनों से लाभ देंगे, पर दृष्टि जा रही है उनकी राहु के साथ। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ गई, नवम भाव में, भाग्य वर्धन हुआ, भाग्य उच्च कोट का आसमान को छुएगा बृहस्पति की कृपा से। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भाग्य बहुत ही उच्च का हो जाएगा और उच्च के भाग होने से धन आएगा, व्यापार से आएगा, नौकरी से आएगा, कैसे भी आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि भाग्य बढ़ रहा है। भाग्य बढ़ने का मतलब यही है, पैसा आना, ट्रेडिंग से आएगा। तो देखिए, और बृहस्पति के जो कनेक्टेड काम है उनसे भाग्य बढ़ेगा। तो बृहस्पति देखिए पूरे साल तक यही रहेंगे,
नवंबर दिसंबर में अकेले बृहस्पति भाग्य भाव को देखेंगे तो बहुत भाग्य बढ़ाएंगे। इससे पहले राहु के साथ भी भाग्य वर्धन यानी सोच आदमी की, आदमी भाग्य के जातक भाग्य के हिसाब से सोचेगा ऊंचा ऊंचा और ऊंचे ऊंचे काम करेगा, धन की प्राप्ति तो होगी होगी। तो ये तो रहा भाई कुंभ राशियों के लिए बृहस्पति का, क्यों बृहस्पति साल साल भर एक घर में रहते हैं। अब वो दूसरी बात है कभी बकरी हो जाए कभी मार्गी हो जाए, लेकिन अभी लाभ तो देंगे देंगे बृहस्पति जो है, कभी बुरा नहीं करते किसी का, देव गुरु। और देखिए शुक्र क्या है, दैत्य गुरु। सप्तम राशि कहाँ है, भाग्य तो भाग्यश है शुक्र। शुक्र कहाँ जाएंगे, शुक्र 29 दिसंबर 2022 को मकर राशि में होंगे। मकर राशि है 12वें भाव में, तो 12वें भाव में शुक्र कब तक रहेंगे, 12वें भाव में थोड़े दिन, क्योंकि 29 दिसंबर है, जनवरी में आकर के 22 जनवरी को जो है बदल देंगे घर। तो 22 जनवरी को शुक्र जो है फिर आ जाएंगे लग्न में, कुंभ राशि में। तो लग्न उससे पहले 12वें भाव में थे, तो विदेश व्यापार से लाभ दिला रहे थे शुक्र, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही थी 6वें भाव में। तो 6वें भाव में भी जो है बीमारियाँ ठीक हो रही थी, ऋण से मुक्ति मिल रही थी, पैसा धन तो शुक्र देते ही हैं और ऐश्वर्य देते हैं, तो उसकी वजह से ऐश्वर्य की वजह से धन की वजह से ऋण से रोग से मुक्ति मिल रही थी, और 12वें भाव से विदेश से लाभ मिल रहा था। लेकिन जब लग्न में आ गए तो लग्न बलवान और दृष्टि गई पति पत्नी के भाव पर, तो पति पत्नी का अच्छा माहौल, घर का वातावरण अच्छा, पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर्स की अच्छा सहयोग। तो लग्न में आकर के शुक्रदेव बहुत ज़बरदस्त कुंभ राशि के दे रहे हैं फायदा। और देखिए 15 फरवरी को धन भाव में आ जाएंगे बृहस्पति के, 15 फरवरी को बृहस्पति वहीं बैठे होंगे जब तक 22 अप्रैल तक, तो शुक्र भी आ जाएंगे। तो देव गुरु दैत्य गुरु दोनों मिलकर के धन भाव में आ गए भाई, बहुत जबरदस्त। दो दो गुरु धन की बारिश कर रहे हैं, शुक्र कह रहे हैं धन लो, बृहस्पति कह रहे हैं धन लो, धन की बारिश तो होगी होगी। तो कुंभ राशि तो मेरे ख्याल से इसकी 2023 की सबसे अच्छी राशि मिल रही है, क्यों धन भाव में कुछ जो टाइम भी दो दो गुरु रहेंगे उस टाइम तो धन की बारिश, अपार सुख की बारिश, ऐश्वर्य की बारिश, सब कुछ करेंगे। और देखिए उसके बाद 12 मार्च को शुक्र फिर आ जाएंगे मेष राशि में, 12 मार्च को राहु के पास, और 12 मार्च से लेकर के वहीं रहेंगे थर्ड हाउस में, और दृष्टि जाएगी 9th हाउस में, तो भाग्य वर्धन करेंगे शुक्र। शुक्र की राशि है अपनी भाग्य में सप्तम, तो शुक्र 3rd भाव से अपनी राशि को देखेंगे तुला राशि को, तो भाग्य वर्धन करेंगे, उच्च कोटि का भाग्य बढ़ाएंगे तो लाभ ही लाभ आएगा। 12 मार्च से लेकर शुक्र मेष राशि में जब, और फिर 6 अप्रैल को आ जाएंगे वृषभ राशि में 4th भाव में, तो 4th भाव में भी उनकी अपनी राशि है वृषभ राशि, तो फिर 4th भाव में आकर के देखिए 6 अप्रैल से 4th हाउस में आ जाएंगे, और 2 मई तक तो फिर सुख भाव में बैठ करके सुख की बारिश करेंगे, यानी भूमि भवन गाड़ी बंगला सब कुछ देंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा सुख, और वहाँ सुख साधन में से जाएगी दृष्टि उनकी 10वें भाव में, कहाँ पर कर्म क्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र में कर्म यानी व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पदोन्नति वेतन वृद्धि सब कुछ मिलेगा। और देखिए उसके बाद में फिर 2 मई 2023 को मिथुन राशि में आ जाएंगे 5वें भाव में, संतान भाव में, मिथुन राशि बुध की राशि है, तो शुक्र उसमें आ गए, शुक्र बुध के परम मित्र, तो भाई वहाँ पर बैठ के फिर संतान को लाभ देंगे, प्रेम प्रसंगों में शुक्र, तो प्रेम प्रसंग आपके कोई है तो उनमें सफलता मिलेगी, प्रेमी आपका निकट आएगा और हो सकता है प्रेम विवाह भी हो जाए, तो ये बहुत ज़बरदस्त योग है। संतान भाव में संतान की तरक्की होगी, एजुकेशन में परीक्षाओं में तरक्की होगी, बहुत ज़बरदस्त। 30 मई को आएंगे कर्क राशि में जो 6ठा भाव है, तो वहाँ आकर के फिर रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी से केस जीतेंगे, और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव से, तो विदेश से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा। और 7 जुलाई को सिंह राशि में आगे 7th हाउस में, तो 7th हाउस में आगे लग्न को भी देखेंगे, और लग्न से लग्न बलवान जातक का जो है व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा, पति पत्नी के घर में पति पत्नी का अच्छा स्वभाव, माधुरी बरसेगा बिल्कुल घर में, और जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस के वो सब अच्छा सहयोग करेंगे। और 7 अगस्त को जो है फिर
सात अगस्त सात को कर्क राशि में से सिक्स हाउस कर्क अष्टम भाव आ जाएगी। हाँ अष्टम भाव जो है तो अष्टम भाव से दृष्टि जाएगी सेकंड सेकंड भाव में, तो सेकंड भाव में जो दृष्टि गई नहीं नवंबर तीन को आएंगे, नवंबर तीन को कन्या राशि में आ जाएंगे एट्थ हाउस में, तो वहां से दृष्टि जाएगी धन भाव में, तो धन की बारिश फिर करेंगे। इससे पहले वो अक्टूबर दो को सिंह राशि में थे सप्तम भाव में, तो सिंह राशि में शुक्र बैठ करके और दृष्टि जा रही थी लग्न पर। सात सात अगस्त को भी कर्क राशि में थे सिक्स हाउस में, तो वहां भी, तो ये सभी जगह जहां जहां, और बाकी जुलाई सात को सिंह राशि में थे और फिर अक्टूबर दो को भी सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आगे जाएंगे फिर बकरी होकर आ जाएंगे। तो जुलाई सात को सिंह राशि में, अगस्त सात को कर्क राशि में और अक्टूबर दो को फिर सिंह राशि में, यानी बकरी हुए फिर मार्गी हो गए, और नवंबर तीन को कन्या राशि में एट्थ हाउस में आ जाएंगे जहां पर धन भाव में दृष्टि पड़ती रहेगी, और बाकी नवंबर दिसंबर में धन भाव में ही धन की वृद्धि करेंगे शुक्र। तो शुक्र देखिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ही कुंभ राशि के लिए तो दो दो गुरु देव गुरु दैत्य गुरु दोनों ही बहुत जबरदस्त धन की बारिश कर रहे हैं, सुख की बारिश कर रहे हैं, नौकरी में तरक्की दे रहे हैं, पदोन्नति दे रहे हैं, विदेश व्यापार से लाभ दे रहे हैं, और शुक्र से संबंधित जो भी व्यापारी हैं जिनका के स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का व्यापार है, आर्टिस्ट कलाकार हैं, सौंदर्य प्रसाधन के विक्रेता हैं, इन सबको विशेष लाभ मिलेगा भाई। तो मित्रों मैं यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन ये करूँगा कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें तो गणेश भगवान आपको जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मित्रों नमस्कार।